अपना नाम बता दीजिए। प्रियंका गुप्ता। प्रियंका जी, क्या घटना हुई है आपके पति के साथ? मेरा पति के साथ अपने ससुराल से आ रहे थे, बस बाइक लड़ गया, बस इसीलिए वो एक मेरारू थी उसका चोट लगा यहाँ, बस इसीलिए चार पांच थोड़ा बुला कर बस मरवाएं। एक नाम दो लोग बताए हैं, एक दिनेश था एक विनोद था, बस इसीलिए मारे। जब घर पर आए तो नाम पूछे लगे, जब रो के तो बताएं वो। तो घटना के समय आप साथ थी उनके? नहीं, हम साथ नहीं थे, अपने मायके थे। हम मायके से 3 बजे रात को हमको 10:30 बजे पता चला, तो फिर हम जैसे ये लोग वो बोल रहे थे तो ये लोग कहेंगे तन मैंने ठीक है, तो हम रुक गए। तो फिर हमारा जीव नहीं माना, फिर हम अपने भाई को लोग को 2 बजे रात से हम चले आए, तो 3 बजे यहाँ पर आए तो वो बोल रहे थे, तो हम पूछें कि क्या हुआ, तो वो बताएं कि ऐसे ऐसे हमको मारे हैं लोगों। तो वो बताते बताते तो उसका जबान एकदम बंद हो गया, वो कोमा में चले गए। तो फिर हम लेकर करंडा गए, करंडा से फिर गाजीपुर गए, गाजीपुर से जवाब दिया तो फिर हम यहाँ बनारस आए। तो अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की है? पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है, करंडा भी क्षेत्र का नहीं है, गाजीपुर क्षेत्र का कर रही है। हम लोग जा रहे हैं तो बस कह रहे हैं कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। और क्या, कुछ क्या मांग है? हमको बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिला दीजिए, और हम इस बच्चों को लेके कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। अच्छा, जो जो घटना हुई है, ये कौन लोग थे जिन्होंने इनको मारा? दिनेश थे, विनोद थे। ये कहाँ के रहने वाले? वही दीनापुर का। आपके पड़ोस के ही लोग हैं? नहीं है, कुछ दूरी पर हैं। मैं सुजीत गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भामाशाह भारतीय जनता पार्टी। आज आप लोग किस लिए आए हैं बनारस? बनारस में इसलिए आना हुआ कि गाजीपुर करंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरसड़ा बाजार में 22/8/2024 को पप्पू गुप्ता की हत्या कर दी गई, और वहाँ पे चौकी थाना और यानी कि बड़े अधिकारियों के द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसको लेकर संतुष्टिपूर्वक कार्य नहीं होने की वजह से हम लोग आज वाराणसी ADG को ज्ञापन दिया, और वही स्थिति रही जो गाजीपुर पुलिस प्रशासन की रही, वही वाराणसी के अधिकारियों की स्थिति रही। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि बाइक से बाइक टच हो जाने के उपरांत व्यक्ति को और लोगों को बुला के बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसका हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के पश्चात न तो कोई कार्रवाई हुई, न तो पीड़ित को कोई मुआवजा मिला, न कोई सहयोग मिला सरकार की तरफ से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पहले पीड़ित को न्याय मिले, और पीड़ित जिस व्यक्ति का नाम ले रही है उस व्यक्ति को पुलिस उठाकर पूछताछ करे, और जो जांच करे वो करती रहे, लेकिन पहली प्राथमिकता उस व्यक्ति को उठा के पूछताछ और इंक्वायरी करे कि वास्तव में हकीकत क्या है। दूसरा मांग ये है कि पीड़ित व्यक्ति को, मृतक के पत्नी को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी मिले, जिससे कि इनका भरण पोषण और आगे की ज़िंदगी अच्छे से चल सके। मृतक क्या काम करते थे? मृतक एक दुकान पे साधारण सी नौकरी करते थे, 5-6 हज़ार रुपया मिलता था उनको महीने का। स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति इनके घर की बहुत ख़राब है। ये घटना कब की और किस थाने की है? ये गाजीपुर करंडा थाने क्षेत्र की घटना है और 22/8 की घटना है। तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, कोई संतुष्टि नहीं हम लोगों को। हमने एक आस और उम्मीद लगा कि हमने ADG को ज्ञापन दिया, यहाँ से भी वही बातें हुई, और आगे ये लड़ाई हम लोग रोकेंगे नहीं। भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अगर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आगे की तैयारी किए हैं कि गाजीपुर मुख्यालय पे बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, और पीड़ित को न्याय दिला के ही रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे।